हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होम्योपैथी एंड हियर समृद्धि शर्मा इज हेयर टू गाइड यू। और आज का ये जो वीडियो है वो हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें मैं आपसे एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ कि जो डॉक्टर एस के दुबे की जो टेक्स्ट बुक ऑफ मटीरिया मेडिका है उससे हमें पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो उसमें से क्या क्या पढ़ना चाहिए, और ये किताब जो है ये आपको नॉलेज दे पाएगी या नहीं दे पाएगी मटीरिया मेडिका की। तो ये सारी चीज़ें जो मैं है आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ इसी किताब पे डिपेंडेंट रहते हैं। और ये बात मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, अगर आपको मटीरिया मेडिका पूरी समझनी है तो आपको बहुत सारी किताबों से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब ये एक प्रूविंग के टाइम पर एक इंसान प्रूविंग नहीं दे सकता पूरी, तो एक किताब जो है वो पूरी प्रूविंग कैसे लिख सकती है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है तो आपको सारे सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये जानना है कि एलन्स की नोट कैसे पढ़नी है तो उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये जानना है कि बोरिक जो मटीरिया मेडिका है उसको कैसे पढ़ना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपसे जो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर एस के दुबे की जो मटीरिया मेडिका है उससे हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर अगर पढ़ना चाहिए तो क्या पढ़ना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि हमें बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जो ये बुक है ये सिर्फ पास कराने के लिए है, तो ये बिल्कुल सही फैक्ट है कि इस बुक से आप पास ज़रूर हो जाओगे, लेकिन आपको साथ ही साथ जो है एलन्स की नोट का ज्ञान होना चाहिए और बोरिक मटीरिया मेडिका का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस किताब में हैं वो लिखी हुई नहीं है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि इस बुक से हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि हर किताब में हर बात नहीं होती है, इस बुक में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो बाकी जगह आप छानोगे तो आपको मिलेंगी। तो इसमें क्या है, कंसाइज इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड है, कोई भी बुक जो है वो फालतू नहीं है, आपको हर किताब से पढ़ना है। लेकिन इस किताब से पढ़ना कैसे है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि इस बुक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है इसका जो ऊपर में सबसे पहले जो पार्ट दिया हुआ है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसे सपोज दिस इज़ द मेडिसिन एब्रोटेनम हेयर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले इस किताब में ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे तो देख लिखा हुआ है कॉमन नेम, यहाँ पे प्रूव्ड बाय, और यहाँ पे फैमिली। तो ये जो है आपको, जैसे कॉमन नेम जो है वो तो आपको बोरिक में मिल जाएगा, कॉमन नेम आपको एलन में मिल जाएगा, फैमिली आपको एलन में मिल जाएगी, लेकिन आपको ये जो प्रूविंग है वो नहीं मिलेगी। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रूविंग आपको किसने की है दवाई की, वो मिल जाएगी। नाउ इंट्रोडक्शन, यहाँ पे क्या है, इस किताब में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन भी रीड करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, क्लिनिकल। क्लिनिकल आपको जब आप पूरी मेडिसिन पढ़ लोगे तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि ये कौन कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस में यूज़ आती है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है स्फीयर ऑफ एक्शन, तो स्फीयर ऑफ एक्शन जो है वो आप जब कोई मेडिसिन पढ़ोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ एक्शन परफॉर्म कर रही है। पैथोजेनेसिस जो है, पैथोजेनेसिस में आपको रीड करना है इस किताब से। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिली हमको वो मिली इसका इंट्रोडक्शन, दूसरा मिला हमको पैथोजेनेसिस। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है हर दवाई में इस किताब का, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साफ लिखा हुआ है, ये आपको कोई सी भी बुक में नहीं मिलेगा। इतना सिंप्लीफाइड वे में लिखा हुआ आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा जितना इसने सिंप्लीफाइड वे में बताया हुआ है। तो जब हम देखें बोरिक में, तो बोरिक में मिल जाएगा, शुरू की जो लाइन है बोरिक में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोरिक कैसे पढ़नी है बता चुकी हूँ। लेकिन अगर हम बात करें एस के दुबे की, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। उसके बाद हमको यहाँ पे आ जाते हैं गाइडिंग सिम्टम्स। तो गाइडिंग सिम्टम्स जो हैं वो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल आपको यहाँ पर रुक जाना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने देख लिया,
उसके बाद हमें क्या करना है, एलन्स की नोट एक बार उठानी है, ठीक है। एलन्स की नोट को हमको पूरा ऐसे की ऐसे रीड करना है ताकि हमें जो उस दवाई के की नोट्स हैं वो पता चल जाएं, ठीक है। वो की नोट आपको देखने हैं और उन की नोट्स को देख कर आकर आपको जो है इस गाइडिंग सिम्टम्स को पढ़ना है, ठीक है। जब आप गाइडिंग सिम्टम्स पढ़ लोगे यहाँ से, तो आपके दिमाग में जो एलन्स की नोट की जो बातें बताई हुई हैं वो आपके दिमाग में रहेंगी, साथ में गाइडिंग सिम्टम्स रहेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर्स क्या करने हैं, हमें पूरी किताब कभी भी नहीं पढ़नी होती या फिर जो पूरी मेडिसिन है वो नहीं पढ़नी होती है। अब क्या है पर्टिकुलर्स में भी, जो हम देखें कि जैसे किसी मेडिसिन का स्पेसिफिक एक्शन किस ऑर्गन पे है, तो हमें वो ऑर्गन उठा के पढ़ना है। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर दवाई के लिए। तो हमें कभी भी सारे पर्टिकुलर्स नहीं पढ़ने हैं, हमें दवाई देखकर पता चल जाएगा। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे दवाई देखकर हमें पता चल जाता है कि इसमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसका एक्शन जो है इसके ऊपर स्पेसिफिक है, तो वो हमें बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। जैसे अगैरिकस मेडिसिन है, अगैरिकस का बहुत अच्छा एक्शन है फॉर द चिलब्लेंस, जो सर्दियों में जो लाल लाल घाव हो जाते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा एक्शन है। तो स्किन जो है इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। इस तरीके से आप और दवाइयाँ देखो, एथ्यूज़ा देखो फॉर द वॉमिटिंग, ठीक है। तो GIT पे इसका बहुत अच्छा एक्शन है, वो हमें पता चल गया तो हमें GIT देखना है। तो हर दवाई का क्या है, एक स्पेसिफिक एक्शन है जो उसका स्फीयर ऑफ एक्शन है उससे हमें पता चल जाता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस मैं इस चीज़ पर करना चाहूँगी कि आपको क्या करना है कि शुरू की ये जो लाइनें पढ़ लिया आपने, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, पैथोजेनेसिस पढ़ लिया, कॉमन नेम पढ़ लिया, प्रूविंग पढ़ ली, प्रूव किसने किया है, और साथ में आपने फैमिली पढ़ ली, उसके बाद आप क्या करो, एक बार एलन्स की नोट देख कर आओ, ठीक है। वो एलन्स की नोट क्या करेगी, आपको बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो माइन्यूट चीज़ें हैं, इसीलिए उसका नाम की नोट्स है, वो आपको बता देगी उस दवाई का। और फिर आपको क्या करना है कि इस किताब में आके जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जो आपको पता चला पूरी मेडिसिन एलन्स की नोट से पढ़ के कि हाँ इसका स्फीयर ऑफ एक्शन ये है, बहुत अच्छा एक्शन है इसके ऊपर, तो आपको वो चीज़ यहाँ आके पढ़नी है। क्योंकि इसमें क्या है कि एक ही बात को बार बार लाइनों में लिखा हुआ है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, बोरिक मटीरिया मेडिका देखनी है। बोरिक मटीरिया मेडिका को कैसे पढ़ना है मैं बता चुकी हूँ, उसका शुरू का जो पैराग्राफ है हर दवाई का वो आपको पढ़ना होता है। तो आप क्या करें, उसको पढ़ें। इन तीनों किताब को आपको एक साथ देखना है, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ये दवाई किसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ब्रायनिया की बात करें, सबको पता है वो रूमेटिज़म के लिए अच्छी मेडिसिन है, GIT के लिए अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। और कोई दवाई की बात करें तो आपको क्या करना है, हर चीज़ नहीं पढ़नी है आपको, जो स्फीयर ऑफ एक्शन है दैट इज़ स्पेसिफिक एक्शन कि ये तो इसके लिए भयंकर दवाई है, वो चीज़ें आपको इसमें आके पढ़नी है। तो हर किताब जो है वो ख़राब नहीं होती और हर किताब जो है वो पूरी नहीं होती। तो इसलिए आपको क्या करना है, सारी किताबों को एक साथ करके चलना है और हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती कि आप एक ही मेडिसिन में लग गए, एक ही किताब में लग गए और आपको कुछ पता भी नहीं चला। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना और बिल्कुल कंसाइज इन्फॉर्मेशन हर किताब से आपको निकालनी है कि ये जो है ये इस मेडिसिन को डिफाइन करती है। और लास्ट में वापस कहना चाहूँगी कि जब एक इंसान पे पूरी प्रूविंग नहीं हो सकती, तो एक किताब जो है वो पूरी प्रूविंग कैसे लिख सकती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको पता होनी चाहिए। इसलिए हमको क्या है, हर बुक से पढ़ना है। तो अगर आपको जानना है एलन्स की नोट कैसे पढ़नी है, बोरिक कैसे पढ़नी है, तो आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर रखी है लिंक्स, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है हमें किताबों से जो ज्ञान है उसको निकालना है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में आई होगी, जो मैं कहना चाहती हूँ वो समझ में आया होगा, और काफ़ी हद तक जो उनकी मुश्किल है वो आसान हुई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथी।